बात इन दिनों की है जब मैं अपनी लाइफ में किसी बहुत ख़ास इंसान से मिली थी। वो अब भी मेरे लिए ख़ास है, पर शायद मैं अब उसके लिए ख़ास नहीं रही। इसके पीछे की स्टोरी ये है कि जब हम एक दूसरे से मिले, मिलके लगा कि हम दोनों में कुछ स्पेशल है। फिर धीरे धीरे बातें होने लगी, बहुत बातें होने लगी और बहुत खास बातें होने लगी। और फिर एक दिन ऐसा आया जब हमने एक दूसरे से अपने दिल की बातों का खुलासा कर दिया और फिर हमको और सबको पता चल चुका था कि हम एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, बहुत सारा प्यार। और फिर शुरू हुआ एक बेहद खूबसूरत रिश्ता, घंटों घंटों कॉल पे बात करना, सारा दिन मैसेज पे एक दूसरे की खबर लेते रहना, रात को कॉल पे बात करते करते सो जाना, सवेरे उठते ही सबसे पहला काम उसे कॉल करना। बहुत अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लगता था उसके साथ वक्त बिताना। कई दिनों तक, कई महीनों तक बस ऐसे ही खुश थे हम दोनों। फिर पता नहीं एक बुरा मूड आया इस रिश्ते में और कुछ ऐसी फेक खुशियां लाइफ में आई जिसके बहकावे में आके मैं ही सच्चे प्यार की कदर करना जैसे भूल गई थी। और उन फेक खुशियों की वजह से मैंने इस प्यार को अपने आप से दूर करना शुरू कर दिया। उस खास ने बहुत कोशिश की रिश्ते को बचाने की, बहुत कोशिश की, लेकिन शायद नसीब में लिखा था अलग होना और हम अलग हो गए। गलतियां मेरी थी और उसका नतीजा ये हुआ कि हम दोनों अलग हो गए। रिश्ता खत्म हो गया, फिर टूट कर रह गया, मायूस सा रह गया। मैं तब तो बहुत खुश थी, आज़ाद महसूस करती थी, लेकिन उसके बाद एहसास हुआ, उसके जाने के बाद इस बात का एहसास हुआ कि कितना चाहता था वो मुझे। उसके जाने के बाद कोई और वैसा मिला नहीं। आज वो शख्स बहुत याद आता है, उसकी हर बात, उसकी हर चाहत याद आती है, पर अब वो किसी और के साथ है। और क्यों ना हो, वो डिजर्व करता है। उसके पास प्यार है, वफादारी है, जो शायद मैं उसे ना दे पाई, पर आज शायद कोई और दे रहा है उसे, और वो खुश है। और मेरी यही दुआ होगी रब से कि वो हमेशा खुश रहे, हमेशा खुश रहे, और ऐसे ही प्यार उसे हमेशा मिलता रहे। वो जहाँ भी रहे खुश रहे। जो गलती मैंने की उसकी सज़ा तो मुझे मिल ही रही है। यह अकेलापन, ये मायूसी, यह अधूरापन, शायद यही मेरी सज़ा है, शायद यही मेरी सज़ा है।